أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear students I welcome all of you to your this new class related to a new topic communicative language teaching method or approach dear students इससे पहले हमने grammar translation method को पढ़ा फिर उसके बाद हमने direct method को पढ़ा फिर उसके बाद हमने जो है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड को पढ़ा जिसे हम दूसरे लफ्जों में जो है वो आर्मी मेथड भी कहते हैं और अभी आज जो है हम इसको पढ़ने जा रहे हैं अभी एक दो और भी बाकी हैं लेकिन जब ये मेथड आया तो तकरीबन जो है ना बहुत से लोगों को इससे फायदा हुआ और सब लोगों ने इसके ऊपर जो है ना मतलब एक इसको एडॉप्ट किया और एडॉप्ट क्या किया अभी तक यही मेथड जो है वो डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म्स के अंदर चल रहा है ऑडियो लिंगुअल मेथड मैंने अपना वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था फ्लॉज बहुत ज्यादा थे मसलन बहुत ज्यादा ग्रामर के ऊपर एम्फोसिस था एंड ट्रांसलेशन के ऊपर एम्फोसिस था लेकिन एंड प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बन रहा था मसलन एक सिचुएशनल जो है एक आ जाता है एक सिचुएशन आ जाती कम्युनिकेशन की वो हम नहीं कर पा रहे थे और हम ठीक है हमारे पास नॉलेज बहुत है ग्रामर की लेकिन और हमें लफ्जों के मानी भी बहुत आते बट वी आर स्टिल यू नो अनेबल टू स्पीक स्पॉन्टेनियसली तो ये था ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड फिर उसके बाद जो है वो आ गया अल्लाह भला करे आपका डायरेक्ट मेथड अच्छा था लेकिन डायरेक्ट मेथड में ये भी था ना कोई कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे कोई लेआउट नहीं थी हमारे पास कि जी बस जो मिले बस वो उधर से जो है ना डायरेक्ट उठाते जाओ और वो करते जाओ तो हमारे पास कोई लेआउट जो है ना मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से वो जो है ना सही तरीके से नहीं चल सका फिर उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड आती है वर्ल्ड वार सेकंड में होता ये है कि जनाब वो अमेरिकन को किसी जगह अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट करनी होती है तो वो क्या करते हैं जनाब वो आगे से उनको जल्दी भागम भाग में जनाब जबान सिखाने के चक्कर में होते हैं तो वो उसमें यह होता है कि मतलब मैकेनिकल हैबिट फॉर्मिंग वाला तरीका या तो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और उसका कोई इतना ख़ास जो है ना असर पड़ा कोई नहीं और ना उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया लेकिन जब ये आया ना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड तो इसको जो है ना एवरीबडी जो है ना एवरीबडी ऑलमोस्ट यू नो अप्रिशिएटेड दिस मेथड बिकॉज द अल्टीमेट ऑफ दिस अल्टीमेट गोल ऑफ दिस मेथड इज़ टू कम्युनिकेट इसके ऊपर ना तो ट्रांसलेशन के ऊपर जो है ना एम्फेसिस है ना जो है ना मतलब है कि दूसरी किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है इसके ऊपर एम्फेसिस है जिस चीज़ के ऊपर वो है आपका मैसेज मैसेज जाना चाहिए इस सारी सिचुएशन को अ लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच दैट चेंज द कोर्स ऑफ टीचिंग बाय रिप्लेसिंग ऑल अदर ट्रेडिशनल मेथड्स एंड अप्रोचेस तो अभी भी आज की दुनिया में भी हम जितने भी मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो जो है हमारे पास कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है ना टूल के ज़रिए हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है इसको ज़रा मज़ीद आगे जाके समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स ओके डियर स्टूडेंट्स तो चलें अभी इसको दोबारा से देख लेते 1960s के अंदर लेट 1960s के अंदर जब आपके पास जो ये एक एक और इसमें एक तरीका था सिचुएशनल लैंग्वेज मेथड सिचुएशनल लैंग्वेज मेथड ये भी एक टीचिंग मेथड है इसके मुतालिक जो है ना हमने इसको स्किप किया इंशाल्लाह इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे ज़रूर तो अब क्या है कि इसके रिस्पांस के तौर पे जो है ना ये लेट 1960s के अंदर आया था और नॉम चॉम्स्की जो है उसने जो है ना थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज ठीक है जी ये उसने दी थी किसने नॉम चॉम्स्की वॉज अ लिंग्विस्ट तो इसने ये जब थ्योरी दी तो इस थ्योरी ने क्या किया जनाब
इस CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड को जो है ना उसने एक बूस्ट दिया है, एक बूम दिया है, जिसकी वजह से ये जो है ना आगे बढ़ा है। तो चलो आगे इस चल के देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बेसिकली ये है क्या चीज़। डियर स्टूडेंट्स, टीचिंग अप्रोच एम्फसाइजेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ओके, instead of concentrating on grammatical perfection. तो इसकी बुनियादी बात ये है कि मैसेज इज द मीनिंग इज समथिंग दैट इज द फोकस ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वन शुड कम्प्लीट हिज कम्युनिकेशन, वन शुड सक्सेसफुली डिलीवर हिज मैसेज टू हिज ऑडियंस, दैट्स इट, दैट्स फॉर वट वी डू कम्युनिकेशन इन आर डेली लाइफ। तो लैंग्वेज का जो मकसद है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो भी यही है कि हम जो है ना लैंग्वेज इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपना पैगाम जो है ना पहुंचा सकें और हमारा पैगाम जो है वो सही तरीके से रिसीवर तक पहुंच सके, और उसमें ग्रामर को इतना दखल नहीं है। ठीक है, उसमें ग्रामर को इतना दखल नहीं है। इट इज़ मीनिंग फोकस्ड इंस्टेड ऑफ फॉर्म, फॉर्म कहते हैं ग्रामर को। इसका जो तरीका, ये जो तरीका है, इस तरीकाकार का जो फोकस है वो क्या है, मीनिंग के ऊपर है। डियर स्टूडेंट, इट फोकस ऑन कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। वेल, मैं वही बात कहता हूँ, अगर आपको बहुत अच्छी ग्रामर भी आती है लेकिन आप सिचुएशन के ऊपर आप नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, लेट सपोज यू आर वेरी गुड एट ग्रामर एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज, बट you have no fluency of speech or spoken English. So what would you do if you have you have a real time chance to perform your English spoken skill? So आप क्या करोगे, फिर आप किधर जाओगे? तो यही बात है, वो ये बात कह रहा है कि कम्युनिकेट करो, और वो ये क्या, ये भी कहता है कि गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, सर। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैथड, लेट अस हैव अ व्यू ऑफ इट्स हिस्ट्री, कि ये हिस्ट्री में किस तरह शुरू हुई, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। लेट 1960s के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिचुएशनल लैंग्वेज थ्योरी जो है ना पेश की गई थी। क्या पेश की गई थी डियर स्टूडेंट्स? सिचुएशनल लैंग्वेज थ्योरी जो है ना पेश की गई थी, और उस थ्योरी के रिस्पॉन्स के अंदर ये तरीका जो है ना आया था, और इसने क्या किया, इस तरीके ने तमाम दूसरे जो भी ट्रेडिशनल तरीके थे उन सबको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, नॉम चॉम्स्की एक बहुत बड़ा लिंग्विस्ट है, अगर आपने उनके मुतालिक सुन रखा हो, तो उसने क्या किया था, वो जो है उसने थ्योरी पेश की थी परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज, और ये जो है, ये जो उसकी जो थ्योरीज थी परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस, इसने जो है ना SELT को बूस्ट दिया है। कैसे वाला, लेट सपोज आप उर्दू जो है ना बहुत अच्छी आपको आप जो है ना उर्दू के मुतालिक बहुत अच्छा जानते हो, आपकी ग्रामर बहुत मजबूत है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बोल नहीं सकते हो। लेट सपोज आप इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छी रखते हो लेकिन आपको रियल टाइम सिचुएशन के अंदर इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉम्पिटेंस नहीं है लैंग्वेज के अंदर, ऑल दो यू हैव नॉलेज। ठीक है, तो वो ये कहता है, और इसी वजह से ये तरीकाकार जो है ना आगे बढ़ा है, और इस तरीके के अंदर ये जो है लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ है। कि मकसद क्या है जबान का मकसद ही यही है कि हम चीज़ों को आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट द मैसेज, दैट्स इट। नाउ वेदर यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स और नॉट, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है जी, तो अट्रैक्टेड द काइंड ऑफ लर्नर हु आर नॉट विलिंग टू डिवोट मल्टीपल ईयर टू लर्न लैंग्वेज। हाँ, अब ये जो CLT था, CLT एक्चुअली अट्रैक्टेड द लैंग्वेज लर्नर, कि यार हम क्यों इतने साल जाया करें ये ग्रामर के अंदर, ग्रामर की इफ्स एंड बट्स के अंदर।
वी शुड स्ट्रेट अवे गो इन टू द प्रोसेस एंड स्टार्ट यू नो स्पीकिंग इंग्लिश एंड मैसेज ही तो कन्वे करना है. जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ, एक मूवी का कहता हूँ, हाउ इज यू, तुम कैसे हो. ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट जो है ना वो इसकी अप्रोच है. अच्छा, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. टीचिंग अप्रोच एम्फसाइज़ेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ग्रामेटिकल परफेक्शन. ठीक है जी, ग्रामेटिकल परफेक्शन के ऊपर ये बहुत से लोगों को ये फोबिया होता है कि आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश वन आई विल बिकम एन एररलेस मैन, एन एरर फ्री यू नो स्पीकर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये कभी नहीं होने जा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज इंग्लिश इज नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, यू आर नॉट अ नेटिव स्पीकर. सो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. First of all, you'll commit mistakes. Then, gradually and you know, slowly and gradually, you will be getting confidence. And after that, you will you know become a good or fluent or an expert speaker of that very language. Challenging. So, देखें, it is meaning focused instead of form. Form बोलते हैं grammar को, dear students. So, its focus is on the meaning, not on the form. तो मीनिंग के ऊपर इसका फोकस है. इट फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस. ये वही चॉम्स्की वाली बात है, आप कम्युनिकेशन कितनी अच्छी कर लेते हो, दैट इज अ मेजर थिंग. लाइक लेट सपोज इफ यू हैव अ रियल टाइम सिचुएशन, आपके साथ एक गोरा आ गया एकदम से, फिर उस वक्त क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिकॉल करोगे, क्या बात करूँ, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, ये लगा दूँ, और हाँ नेगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है, क्या हो जाएगा. मतलब नहीं, इस तरह नहीं चल सकता है ना, इस तरह नहीं चल सकता है कि आप जो है ना ग्रामर को सोचें फिर बोलें फिर. तो इस हिसाब से इट वॉज द बेस्ट मेथड. ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसको जरा देखते हैं, जरा और भी जो है ना ज्यादा उससे ज्यादा डिटेल्स के साथ. लेट मी क्लीन द बोर्ड एंड देन वी विल पुट सम न्यू आइडियाज. सो डियर स्टूडेंट्स, चले जी अब इसकी इसको जरा देख लें. थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सॉरी लर्निंग. अच्छा, इसकी बेस किस चीज के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर है. किस चीज के ऊपर है इसकी बेस, और बाकी इसके अलावा जो पहले थे वो कुछ कहते थे कि जी आप वो जो है ना मतलब है कि वो तो स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर है कि जो भी जबान है वो उसकी एक साख्त का, जो जबान है वो एक साख्त का मजमूआ है, तो उस साख्त को पहले सीखा जाए. ये कहते हैं नहीं जी, कम्युनिकेशन जो है ना मतलब लैंग्वेज जो है ना वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस करती है, और लैंग्वेज का सब कुछ कम्युनिकेशन ही है. दूसरा ये है, लैंग्वेज इज लर्न्ड इन अथेंटिक रियल लाइफ कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट. अब अथेंटिक का क्या मानी है, मतलब किताबी दुनिया से निकल के, ख्यालात की दुनिया से निकल के. वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज लर्न्ड इन अथेंटिक रियल लाइफ कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट. अब आपको आपकी वालदा कोई चीज़ कहती है उठाने के लिए कि बेटा वो चीज़ लेके आओ, दिस इज रियल लाइफ सिचुएशन, और आपको उनकी बात की समझ भी आ जाती है और आप वो चीज़ वहाँ पर लेके जाते हो. कोई फ्रेंड आ जाता है, कोई बंदा आ जाता है, वो आपसे एड्रेस पूछ लेते हैं, बट ही इज़ अनएबल टू स्पीक योर लैंग्वेज एंड ही स्पीक्स विद यू इन इंग्लिश. तो वो आप जो है ना आपसे पूछते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू डी आई खान, वुड यू प्लीज़ गाइड मी. तो अगर आप उसको, ये एक रियल टाइम सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन है, अगर आप उसको जो है ना ये कर पाते हो तो आपने कम्युनिकेशन की है. ये लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज है, रियल लैंग्वेज का प्रैक्टिकल फायदा है. अब इसके अंदर आपसे गलतियां हुई हैं, आपसे प्रोनंसिएशन की गलती हुई है, आपसे जो है ना मतलब है कि डिफरेंट किस्म की और गलतियां हुई हैं, तो फिर भी जो है ना वो कहते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है. आपका जो फोकस है वो फोकस अगर आपका जो है ना कम्युनिकेशन रही है तो दैट्स फाइन, वेरी गुड, नो मतलब ये आपने अपना जो अल्टीमेट गोल था वो अचीव कर लिया है. तो ये CLT जो है ना इस चीज़ के ऊपर इस तरीके से एम्फसिस करता है. आगे इसके फीचर्स को देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड साफ करना पड़ता है मुझे इसके लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके की फीचर्स को देख लेते हैं. इसके की फीचर्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग अकर्स थ्रू एक्टिव
स्टूडेंट इंटरेक्शन इन द फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है जी। अब ये क्या है कि आपका जो है ना, मतलब प्रैक्टिकली आप जो है ना फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, और जो भी आपकी क्लास में हो रहा होगा, क्लास इन्वायरमेंट, द मीडियम ऑफ द क्लास वुड बी द फॉरेन लैंग्वेज, ये इस बात का मतलब है। दूसरा इसका फीचर ये है, टीचिंग अकर्स बाय यूजिंग ऑथेंटिक इंग्लिश टेक्स्ट, किससे कहानियों की बातें नहीं होंगी। What is your aim and desire in your life, or how to write, how to write the letter to a company for getting a job? Job interview कैसे दिया जाता है, या how much do you love your mom? तो इसके मुतालिक आपसे लिखवाया जाएगा real life situation के अंदर। बाकी हमारे पास क्या है, student not only learn the second language text. सेकेंड टेक्स्ट, अच्छा सेकेंड लैंग्वेज टेक्स्ट, बट दे आल्सो लर्न स्ट्रेटजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। स्टूडेंट नॉट ओनली लर्न द सेकेंड लैंग्वेज बट दे आल्सो लर्न स्ट्रेटजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग की स्ट्रेटजीज भी जो है ना पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है, मतलब है कि डिफरेंट टेक्निक्स हो जाती हैं। मसलन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हर दफ़ा जो है ना, मतलब है कि किसी बात का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, डिफरेंट प्रोनंसिएशन जो है ना, मतलब है कि वो होती है, और दूसरी बहुत सी इसके अंदर जो है ना, मतलब है कि दूसरी खूबियां हैं जो कि हम अब इधर जो है ना क्लास के अंदर अभी डिस्कस नहीं कर सकते। आपको नोट्स जो बनेंगे, या नोट्स जो इंशाल्लाह आप खुद बनाओगे या मैं आपको दूंगा, उनके अंदर आप सारी वन बाई वन कर सकते हैं। मैं आपको इधर से अपनी स्लाइड्स पे पढ़ के सुना देता हूँ। सी एल टी मीनिंग इज़ पैरामाउंट, ठीक है जी। इसका जो मीनिंग होता है पैरामाउंट होता है, डायलॉग इफ यूज्ड सेंटर्ड अराउंड कम्युनिकेटिव फंक्शन एंड आर नॉट नॉर्मली मेमोराइज लाइक इन ऑडियो लिंगुअल। अच्छा, कोई चीज़ बात करवाई जाती है तो ये इस तरीके में नहीं होता है कि यार वो द जग इज़ ऑन द टेबल, द जग इज़ ऑन द टेबल, द जग इज़ ऑन द टेबल मेमोराइज करवा रहे हैं, बार बार रिपीटेशन करवा रहे हैं, जो मैंने पिछले उसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर समझाया था। अच्छा, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज द बेसिक कंसर्न, कॉन्टेक्स्ट के अंदर लफ्ज़ों के मानी को क्या हो सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट जारी बात है, मतलब कॉन्टेक्स्ट ही बताता है एक बंदा जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ों के मानी हमेशा एक जैसे हों, एक आदमी के कहने की टोन और सारी चीज़ों से लफ्ज़ों के मानी जो है वो बदलते हैं। तो ये जो है ना, मतलब है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के मुतालिक भी जो है ना, मतलब है कहा जाता है कि बताया जाता है, तो मुख्तलिफ अंदाज में कही गई बातों के मानी भी बदल जाते हैं, ठीक है। मसलन आप किसी को, अब इसकी मिसाल आप समझ रहे हो कि खैर सर स्किप ना कर दे। देखिए, अगर आपको कभी ये फील हो कि कोई बंदा आपको ये कहता है कि यार उसका ना उसका नुकसान हो गया, किसी का उसकी गाड़ी गुम गई है, ठीक है, तो आपको पता चलता है, आप कहते हो जी हाउ आर यू फीलिंग मैन, तो वो कहते हैं आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मुँह लटका हुआ है और कहते हैं आई एम वेरी मच हैप्पी, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, आपको ये भी बताया जाता है कि लफ्ज़ों के अंदर, लफ्ज़ों के पीछे कोई मानी होती है, उनको भी समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यह ये जो इसका बेसिक जो है ना, मतलब है कि वो क्या है, लैंग्वेज ये नहीं कि मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है जनाब, मैं किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर सकता हूँ। असल क्या है, लैंग्वेज लर्निंग मीन लर्निंग टू कम्युनिकेट। क्या लैंग्वेज लर्निंग का मतलब ही ये है कि आप जो है ना कम्युनिकेशन के लिए जो है वो करें, अपना जो है लर्निंग का वो प्रोसेस चलाएं। तो इसको आगे जरा जाके देखते हैं इसके डिफरेंट फीचर्स को, डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दूसरा इसका जो सबसे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
वो ये है कि फ्लुएंसी इज गिवन मोर वेटेज एज कम्पेयर टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि फ्लुएंसी के ऊपर जोर दिया जाता है, और फ्लुएंसी इज गिवन प्रायोरिटी इन दिस मेथड। फ्लुएंसी जो है वो प्रायोरिटी जो है ना के ऊपर रखा जाता है इसको, और बाकी जो है डिफरेंट किस्म की और भी वो चीज़ें हैं जिसमें मतलब हम डिटेल में नहीं जा सकते अभी अभी। अच्छा चलो, ये तो इसके की फीचर्स हो गए, और इसके साथ अलग और भी बहुत कुछ है। मिसकंसेप्शन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मिसकंसेप्शन अबाउट दिस मेथड। डियर स्टूडेंट, मिसकंसेप्शन इसके मुतालिक ये है कि सम पीपल कंसीडर दिस अप्रोच टू बी द मेथड इन विच कन्वर्सेशन इज द ओनली मीन टू टीच लैंग्वेज विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। Rather, this approach talks about learning a language is interactive, cooperative, learner-centered, and content-based. But the approach does not mean that learning a second language involves just conversation. कुछ लोग ये समझते हैं, ये misconception है, कि इस method का जो ultimate goal है ना वो ये है कि बस conversation ही की जाए और कुछ ना किया जाए। तो वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने जो है ना मतलब है कि वो हैं सेट पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर चल के तो जो ज़बान को जो है ना वो सिखाया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है थोड़ा सा कुछ और बातें। नोशनल की फीचर्स को खत्म कर देते हैं। अगर ये क्या है डियर स्टूडेंट, नोशनल फंक्शनल सिलेबस। The notional syllabus 1972 is a proposal for the teaching of language created by D.A. Willikins and also proposed by Van Eck and Alexander in 1975. ये जो है डियर स्टूडेंट्स एक वो था notional functional syllabus था, और ये एक हमें जो है ना मतलब है कि इन लिंग्विस्ट की तरफ से एक अप्रोच मिली है ज़बान को सीखने के लिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, तो ये नोशनल फंक्शनल सिलेबस जो है ना ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो है ना जनाब ये कोई साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने जो है वो इसको डिजाइन किया है इस सिलेबस को। द नोशनल सिलेबस इज अ प्रपोजल फॉर द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड बाई डी ए विल्किंस एंड ऑल्सो प्रपोज बाय वैन एक एंड अलेक्जेंडर इन 1975। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अब जरा इसको देखिए कि नोशनल फंक्शनल है क्या चीज़ ये सिलेबस। द नोशनल फंक्शनल अप्रोच इन ESL इज अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ सिलेबस अराउंड नोशंस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, नोशन किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइडिया, गुमान। ठीक है, वो हमारा जो एक नोशन होता है। लेट सपोज मैं आपको समझाता हूं इस बात को, मेरा नोशन है शॉपिंग करना। क्या है मेरा नोशन, क्या है बेटा, शॉपिंग करना मेरा नोशन है। ठीक है, और मैं जाता किधर हूं, दुकानदार के पास, उसके साथ मैं जाके बात करता हूँ, उससे ग्रीटिंग्स करता हूँ, हाउ आर यू सर, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ वाज योर डे वगैरह वगैरह। इतनी दुकान नहीं तो करते भी हैं, अच्छे लोग करते भी हैं, जहाँ भी जाओ खुशियाँ बांटो, लोगों को आपकी वजह से पीस फील हो। इफ समबडी इज क्राइंग यू गेव अ स्माइल विदाउट एनी यू नो, किसी जान पहचान बगैर आपने स्माइल दे दी तो उसकी थोड़ी देर के लिए उसने मुस्कुराए ले। बहरहाल फंक्शन हमने जो भी बातें बीच में हमने की, नोशन हमारा क्या था, शॉपिंग करना। ठीक है, और ये क्या है, फंक्शन हमारा क्या है,
उस काम को करने के लिए हम बीच में जो भी इधर उधर की बातें करते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस वॉज नोन एज द नोशनल फंक्शनल सिलेबस। तो इस तरीके से जो है ना समझाया जाता था कि किस तरीके से आपने दबान को लेके चलना है, वो सारा दिखाया जाता है। चलें जी, इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सी एल टी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्जन ऑफ सी एल टी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सी एल टी, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ सी एल टी? वेल, वीक वर्जन ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्जन, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू कम्युनिकेशन, ये स्ट्रॉन्ग वर्जन है। मसलन आपको आपको रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाए, गो टू द मार्केट एंड स्पीक विद द पीपल, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते 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 करते, कम्युनिकेट करते 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 का आप लैंग्वेज सीख जाओगे, दैट्स इट। दिस इज द स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ सी एल टी। एंड वॉट इज द वीक वर्जन ऑफ सी एल टी? दैट वी यूज टू, यू नो, वी यूज टू कन्वे और टीच इन द क्लास रूम्स कि पहले लैंग्वेज को सीखो फिर कम्युनिकेट करना, और अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा चल रहा है बिकॉज वी डू नॉट हैव चांसेस टू कम्युनिकेट इन द सेकेंड लैंग्वेज, तो हमारे यहाँ ये होता कम है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक का आपको पता चल गया। स्ट्रॉन्ग क्या है, मार्केट के अंदर जाके लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना, दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ सी एल टी। वीक वर्जन क्या है, क्लासरूम के अंदर बच्चों को पहले लैंग्वेज सिखाई जाती है, बाद में वो कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं एक्टिविटीज इन सी एल टी, क्लासरूम की क्या एक्टिविटीज होती हैं, रोल प्लेस करवाए जाते हैं, कोई रोल दे दिया कि यार आप फलां बंदे का रोल करोगे एंड यू दीज आर योर डायलॉग्स एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस इन योर क्लासरूम, ओके, ये हो जाता है। अच्छा, इंटरव्यूज हो जाते हैं जनाब, इंटरव्यूज करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान में। इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन गैप, अच्छा ये कुछ ऐसी चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स को ऐसे तरीके से ये कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें एक स्टूडेंट के पास जो इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है वो दूसरे के पास मौजूद होती है, और दूसरे के पास जो इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है वो पहले के पास मौजूद होती है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप का मकसद बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट, मकसद ये होता है कि इनका किसी तरीके से जो है ना मतलब है कि वो बन जाए, अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो जाए, किस हवाले से अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो जाए, बेसिकली इनको डिस्कशन के ऊपर लेके आना है, एक डायलॉग के ऊपर लेके आना है ताकि इनकी आपस में जो है ना डिस्कशन और कम्युनिकेट करने का इनको मौका मिल सके, ताकि इसके नतीजे में जो है ना इनका वो जो जो अल्टीमेट गोल है लैंग्वेज स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, और तीसरा है ओपिनियन, ओपिनियन शेयरिंग, यस, को टॉपिक रख दिया जाता है क्लास के अंदर और पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है, और तो उस तरीके से जो है ना इसको वो किया जाता है। अब बात आ जाती है डियर स्टूडेंट्स कंक्लूजन की, व्हाट इज द कंक्लूजन? दिस अप्रोच इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स गुड रिजल्ट्स एंड हैविंग एक्टिव रोल, एंड हैविंग एक्टिव रोल फॉर स्टूडेंट टू इंकरेज हिम टू गेट बेटर एट कम्युनिकेशन स्किल इन टारगेट लैंग्वेज विच वॉज इग्नोर्ड बाय अदर ट्रेडिशनल मैथड। तो ये कंक्लूजन है कि ओवरऑल ये तरीका जो है वो अच्छा है। मैं ख़ुद भी ये कहता हूँ कि ज़बान सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको बोलना शुरू कर दो, तो अल्लाह करेगा एक दिन बोल भी लोगे। तो कंक्लूजन ये है कि इट इज़ अ वेरी गुड मेथड, और इसमें स्टूडेंट को जो है इनक्रेज किया जाता है बोलने के लिए, दैट इज़ द ब्यूटी। ठीक है जी, तो अपने आसपास के लोगों का अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा आज के लेक्चर में जितनी चीज़ें आई हैं उनको समझिएगा, किसी जगह जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, यू गैस डू हैव माय नंबर, यू गैस कैन यू नो इवन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन इवन टेक्स्ट मी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।